नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। जीवीएन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। आतंक पर लगाम ना कस पाने की वजह से पाक को झटका, FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला। बारात में डांस को लेकर एक व्यक्ति को मारी गोली, जमकर हुआ हंगामा। मुंबई के घाटकोपर में चार्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कबीर की मजार पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, टोपी पहनने से किया इनकार। कर्नाटक में मिड डे मील खाने से 80 बच्चे हुए बीमार। अब समाचार विस्तार से। आतंक पर लगाम कस ना पाने की वजह से पाक को झटका, FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला। पाकिस्तान को झटका देते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आतंक की फंडिंग रोक पाने के विफल रहने की वजह से पाक को ग्रे लिस्ट यानी संदिग्ध की सूची में डाल दिया है। हम आपको बता दें कि FATF को पाकिस्तान ने 26 सूत्री एक्शन प्लान सौंपा था ताकि वह इस कार्रवाई से बच सके। हालांकि पाकिस्तान एक बार फिर से ब्लैकलिस्ट होने से बच गया, जो उसके लिए थोड़ी राहत की बात है। पाकिस्तान ने पूरा कूटनीतिक प्रयास किया था कि 37 सदस्य वाले देश में इस निकाय का फैसला उसके खिलाफ ना जाए, लेकिन इसमें वह नाकाम रहा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फैसला बुधवार देर रात पेरिस में FATF के प्लेनरी सेशन में लिया गया, जहां पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री शमशाद अख्तर कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में बारात में डांस को लेकर व्यक्ति को मारी गोली, जमकर हुआ हंगामा। मुजफ्फरपुर जिले में बारात में डांस को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस मामले में जिला के सरैया थाना क्षेत्र के अभिछपरा गांव का है। घटना बुधवार रात की है। गत रात बाजितपुर के जगन्नाथ सिंह के पुत्र विपिन की शादी अभिछपरा गांव के भगरेन राय की बेटी से होनी थी, लेकिन गांव के एक व्यक्ति को गोली लगने से शादी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। डीजे के साउंड पर हर कोई झूम रहा था, तभी नवीन नामक व्यक्ति को पीछे से गोली मार दी गई। गोली लगने के कारण वहां पर अफरा तफरी मच गई, वहीं उसकी मौत की खबर आग की तरह गांव में फैल गई। हम आपको बता दें कि मौत के कारण ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। वहीं बाराती लेकर आए गाड़ियों में से कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसमें फोर व्हीलर समेत कई मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। साथ साथ बारातियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हम आपको बता दें कि दुल्हन के घर में भी लूटपाट की गई, घर का एक भी सामान नहीं छोड़ा गया। दुल्हन के घर के लोगों में खौफ साफ दिख रहा है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि नवीन की हत्या साजिश के तहत की गई। ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश राय बाराती आने के समय पर नवीन को उसके घर बुलाकर लाए थे। वहीं बारात में डांस करने के दौरान मुकेश ने ही नवीन को गोली मार दी। ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश घटना को अंजाम देने के बाद गांव छोड़कर फरार हो गया। हम आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही DSP सरैया डॉक्टर शंकर झा कई थानों के पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं मामले को शांत कराया। हम आपको बता दें कि मुकेश राय एक मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है, पुलिस उसके गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। मुंबई के घाटकोपर में चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की मौत, मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। DGCA ने कहा कि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 12 सीट वाले चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 2 पायलट, 2 विमान रखरखाव इंजीनियरों और एक पैदल यात्री शामिल है। विमान किंग एयर C90 एक निर्माण स्थल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विमान दुर्घटना में प्रारंभिक जांच में DGCA टीम मुंबई जाने के लिए रवाना हो गई है। DG सिविल एविएशन BS भुल्लर ने PTI को बताया कि दुर्घटना में विस्तृत जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो करेगा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चार्टर्ड विमान गुरुवार को 1:35 पर ओल्ड मालिक एस्टेट में टेलीफोन एक्सचेंज के पास मुंबई के घाटकोपर में पृथ्वी भवन पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ग्राउंड रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान जुहू से प्रशिक्षण के लिए लाया जा रहा था। कबीर की मजार पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, टोपी पहनने से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को यहां मगहर में नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कबीर की मजार पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। वहां खादिम ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन योगी ने उनका हाथ पकड़कर टोपी पहनने से इनकार कर दिया। खादिम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि वह टोपी नहीं पहनते। इसके बाद उन्हें टोपी हटा ली। योगी के कुछ देर बाद मोदी यहां पहुंचे। उन्होंने मजार पर नमन किया और चादर चढ़ाई। 2011 में गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा ही वाक्य हुआ था। मोदी 3 दिन तक सद्वाना उपवास पर थे। इस दौरान खेड़ा से आए एक सूफी इमाम मंच पर मोदी से मिलने पहुंचे। उन्होंने जेब से टोपी निकाली और मोदी को पहनाने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने हाथ थाम कर इनकार कर दिया। बाद में इमाम ने मोदी को शॉल ओढ़ाई। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी का अखिलेश मायावती पर निशाना रहा है।
मोदी ने मगहर में रैली में कहा था कि समाजवाद और बहुजन की बातें करने वाले सत्ता के लालची हैं। उत्तर प्रदेश में वह पहले जो सरकार रही है उनके अपने बंगलों में ज्यादा रुचि थी, उनके मन में आलिशान बंगलों में ही लगे रहते थे। गरीबों के लिए मकान बनाने के मामले में वह हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते थे। मोदी ने यहाँ पे बंगलों का जिक्र दो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के संदर्भ में किया। अदालती आदेश के बाद दोनों ने अपने सरकारी बंगले खाली किए हैं। कर्नाटक में मिड डे मील खाने से 80 बच्चे हुए बीमार। कर्नाटक के तुकमरा तालुक के सुयालाहल्ली क्षेत्र में बुधवार को एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का खाना खाने से करीब 80 बच्चे बीमार हो गए। पुलिस ने बताया कि विद्यालय में पहली से सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिया जाने वाला दोपहर का भोजन करने के बाद बीमार हो गए। भोजन करने के बाद बच्चों ने उल्टी होने और असहज महसूस होने की शिकायत की, जिसके बाद बच्चों को तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार करीब 45 बच्चों का इलाज के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि शेष बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भोजन को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ही सही वजह पता चल पाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रही GVN7 न्यूज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।